स्वागत है आपका इस इवेंट में। आज अपन बात करेंगे यूएसए और बांग्लादेश के बीच होने वाले सीरीज के पहले टी20 मैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूएसए और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप से पहले ये है टी20 सीरीज और काफी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि वर्ल्ड कप के भी कुछ मैच इस वेन्यू पे होने हैं। साथ में जिम्बाब्वे बांग्लादेश की सीरीज की तरह ये सीरीज भी भाई एकदम से क्लीन स्वीप अपन करने वाले हैं। काफी शानदार ये मैच रहने वाला है भाई। यूएसए को कम मत आंकना, उधर भी भाई पाकिस्तान और भारत से मिली जुली टीम आपको नजर आने वाली है। कोरी एंडरसन नजर आने वाला है जो कि न्यूजीलैंड का तगड़ा प्लेयर रह चुका है। तो मैच खेला जाएगा पेरी व्यू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में। जी हाँ दोस्तों, इस वेन्यू पे काफी मैच है आपको आने वाले। इस सीरीज के तीनों मैच यहीं पे देखने को मिलेंगे। चार मैच हुए टोटल, दो बार बैट फर्स्ट ने जीते हैं, दो बार जीते बैट सेकंड है। तो भाई चेजिंग और फर्स्ट दोनों इंपोर्टेंट है यहाँ पे। एवरेज स्कोर की बात करें तो 150 से 170 के बीच में बनता है। हाईएस्ट यहाँ पे 230 यूएसए ने बनाए और लोएस्ट यहाँ पे कनाडा का है जिसने 132 पे ऑल आउट हो गई थी कनाडा की टीम। ठीक है, तो काफी अच्छे मैच यहाँ पे देखने को मिले थे जब कनाडा और यूएसए की सीरीज हुई थी। देखो यहाँ पे जो मैच खेले गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भाई सामने टीम है बांग्लादेश की। ठीक है, अब कनाडा की टीम नहीं है तो काफी अच्छा आपके लिए विन करने के चांसेस, क्योंकि बांग्लादेश के सभी प्लेयर्स को आप अच्छे से जानते हो, लेकिन भाई ड्रीम टीम के मेंबर इनके प्लेयर भी बनेंगे यूएसए के। जो भी अच्छी टीम है काफी छुपा रुस्तम प्लेयर इनकी तरफ है, तो सब की बातें बताऊंगा और कौन से हाई परसेंट प्लेयर है जो फॉर्म में नहीं हो फ्लॉप हो सकते हैं वो भी बताऊंगा। किस प्रकार से टीम लेनी है सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो अगर आप टेलीग्राम तब अभी तक नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर कर ले भाई। देखो काफी शानदार मैच है, सभी मैच से रिलेटेड अपडेट आपको मिलने वाली है टेलीग्राम पे, टीम मिलने वाली है, तो टेलीग्राम आप पक्का ज्वाइन कर ले। यहाँ देखो आप कनाडा की टीम 168 बनाती है 5 विकेट के नुकसान पे। यूएसए की टीम स्कोर को चेंज करती है, 5 विकेट पेसर को मिलता है, 5 विकेट मिलते हैं स्पिनर। तो भाई स्पिनर्स यहाँ पे अच्छे चलते हैं, साथ में पेसर को भी खूब यहाँ पे विकेट मिलते हैं। यूएसए की बात करें 169 बनाई 6 विकेट के नुकसान पे, और कनाडा की टीम फिर से चेंज नहीं कर पाई, 4 विकेट पेसर को मिले, 8 विकेट स्पिनर। यानी स्पिनर्स के विकेटों की संख्या पे नजर डालते रहना, क्योंकि बांग्लादेश की टीम स्पिनर्स के लिए जानी जाती है भाई। यूएसए 230 पे 3, कनाडा की टीम 199 बनाती है जवाब में। यानी एक हाई स्कोरिंग मैच भी इस वेन्यू पे देखने को मिला था। 6 विकेट पेसर को मिले, 7 विकेट मिले थे स्पिनर को। कनाडा की टीम 132 पे ऑल आउट, यूएसए की टीम चेंज करती है, 7 विकेट पेसर को मिले, 5 विकेट मिले थे स्पिनर को। यानी स्पिनर्स ने हर मैच में विकेट चटकाए हैं। तो भाई आपके साकिब अल हसन, मेहंदी हसन, इन सबको तो आप जानते हो, लेकिन राशिद हुसैन एक और ऐसा प्लेयर है जो यहाँ पे विकेट चटकाएगा। और इनकी तरफ भी भाई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, भारत का प्लेयर है वो, अच्छे विकेट निकालेगा स्पिनर। बताऊंगा किस प्रकार से कौन सा प्लेयर कब इंपोर्टेंट रहेगा। यहाँ देखो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखते हैं। बांग्लादेश की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, लिटन दास के साथ ओपन करेगा तंजीम हसन, उसके बाद सेंटो, टोनी हिरदोय, साकिब अल हसन, मोहम्मद उल्ला, मेहंदी हसन, राशिद हुसैन, तास्किन अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान और अशरफुल इस्लाम आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो भाई पूरी परफेक्ट टीम के साथ आ रही है बांग्लादेश की टीम। ठीक है, इसके अलावा टी साकिब, सौम्य सरकार, ये सब आपको बेंच पे नजर आएंगे। हो सकता है इनमें से कोई भी प्लेयर खेलेगा। मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी सब मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर कर लें। भाई बात करते हैं लिटन दास की। तो लिटन दास को देखो 5 रन, 56, 33, 1, 23, 12, यानी कि 2 पारी आप अच्छी मान सकते हो, बाकी फ्लॉप जा रहा है भाई। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी फ्लॉप गया था, तो भाई इस प्लेयर पे चांस फिर से आपको लेना होगा, क्योंकि विकेट कीपिंग में यूएसए के 2 प्लेयर हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप रिस्क ले सकते हो लिटन दास पे, ज्यादातर 70% लोग लिटन दास के साथ जाएंगे, लेकिन उनके प्लेयर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। तंजीम हसन की बात करते हैं। तंजीम हसन को देखो आप 42, 39, 67, 18, 21, 52 और 2, भाई अच्छा प्लेयर है, क्लास प्लेयर है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, अच्छे रन आपको बनाकर दे सकता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। सेंटो की बात करते हैं, 22 प्लस 0, 101, 21, 16, 6, 2, लास्ट गेम जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था उसमें चला था, लेकिन उससे पहले इसने भी काफी फ्लॉप पारी खेली है। तो भाई अगर यूएसए की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो आप लिटन दास और सेंटो में से एक प्लेयर पे चांस जरूर लेना। ठीक है, हो सकता है देखो दोनों पे भी अपन चांस ले सकते हैं, जीएल की टीम में बताऊंगा, ऐसे भी जो आपके लिए काफी कारगर सिद्ध इस गेम में हो सकती है। टी हिरदोय की बात करते हैं, 65, 55, 58, 33, 37, 57, 12 और 1, लास्ट 2 गेम फ्लॉप है, लेकिन उससे पहले का जो फॉर्म देखोगे तो काफी कमाल का है। तो देखो इतनी अच्छी पारी आने के बाद 2 डिप पारी तो आती है प्लेयर की, लेकिन ये प्लेयर सीरीज में 3 मैचों में से 2 मैचों में आपको बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके देगा, हो सकता है तीनों में शानदार खेल जाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं साकिब अल हसन भाई, 49, 1 विकेट, 7 प्लस 0, 2 विकेट, 1 रन, 4 विकेट, 21 रन, 1 विकेट। तो भाई यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है। साकिब अल हसन आप जानते हो कितना खतरनाक बॉलर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है आपके लिए,
कैप्टन वाइस कैप्टन का बहुत ही शानदार पिक रहेगा, खास करके अगर ये टीम बैट फर्स्ट करेगी तो, क्योंकि ये बड़ा स्कोर डालेंगे बोर्ड पे, उसके बाद इसके हो सकते थोड़े बहुत रन भी हो और 2 से 3 विकेट इस वेन्यू पे जरूर निकाल लेगा। तो कैप्टनसी का भी सबसे सेफ ऑप्शन भी आपके लिए रहने वाला है और जेल में भी आप इसको कैप्टन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अपन सेफ पिक को एकदम से नेग्लेक्ट करते, देखो अपन को मैच जीतना है लेकिन अपन को पता है जो प्लेयर बढ़िया है वो तो चलेगा, प्लेयर हाई परसेंट छोड़ने होते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कौन सा प्लेयर छोड़ना होता है। ठीक है, जैसे सेंटो लिटन दास को सब लोग लेकर जा रहे हैं तो इनमें से मुझे लग रहा है एक प्लेयर यहाँ से आउट हो जाएगा। मोहम्मद उल्ला 28-56 बैटिंग ने 26 9 रन 1 विकेट 54, तो भाई मोहम्मद उल्ला भी शानदार प्लेयर है, लेकिन बैट फर्स्ट में चेज में आपके इतना ज्यादा काम आएगा नहीं, क्योंकि ज्यादा रन इनके लिए शायद तक बचेंगे नहीं। मेहंदी हसन 16 4 विकेट 18 2 विकेट 64 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0, भाई स्टार्टिंग में 1 से 2 विकेट आप इससे उम्मीद कर सकते हो, पावर प्ले में कई बार गेंदबाजी करने आता है, उधर लेफ्ट इज भी ठीक ठाक है। राशिद हुसैन की बात करते हैं 33 4 विकेट 19+0 0 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0, तो भाई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पूरी सीरीज में अच्छे विकेट निकाले थे, ये वेन्यूज भी वैसे ही है बांग्लादेश वाले जैसे ही, जहाँ पे स्पिनर्स को अच्छे विकेट मिलते हैं तो राशिद हुसैन आपके काम आ सकता है। तास्किन अहमद की बात करते हैं 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, भाई हर मैच में विकेट है लेना ही लेना है। ठीक है, बॉल फर्स्ट में कैप्टन भी ट्राई कर लेना, हो सकता है 3 विकेट का अच्छा स्पेल ये निकाल जाए। मुस्ताफिजुर रहमान 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 3 विकेट 0, भाई दोनों प्लेयर काफी कमाल के प्लेयर है। हाँ, सुरपुल इस्लाम को लोगों ने कम ले रखा है क्योंकि लास्ट सीरीज जिम्बाब्वे की इसकी अगेंस्ट अच्छी नहीं रही थी, लेकिन देखो 3 विकेट 0 4 विकेट 3 विकेट 0 1 विकेट अच्छे विकेट निकालता है। आपको पता है श्रीलंका के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की थी इसने, उससे पहले अपन ने जो सीरीज कवर की थी, तो काफी शानदार गेंदबाज है। मोहम्मद उल्ला और सुरफुल इस्लाम इन दोनों का सिलेक्शन कम है इस टीम में, और राशिद हुसैन, लेकिन इन तीन में से दो प्लेयर मुझे लग रहा है इस गेम में परफॉर्मेंस कर जाएंगे और आपका भी काम बहुत ही आसान कर देंगे। तो भाई वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है और 110% ऐसी टीम आपके लिए मिलने वाली है। इनमें से देखो कोई प्लेयर खेलेगा तो टेलीग्राम पर बताऊंगा लेना है नहीं लेना है। ठीक है, बाकी प्लेयर अच्छे हैं ये भी। यूएसए की बात करते हैं जो पॉसिबल प्लेइंग 11 इनकी रहने वाली है, स्टेफन टेलर के साथ ओपन करेगा मोनक पटेल, भाई कैप्टन है टीम का वर्ल्ड कप में भी। ठीक है, एडम गोस, ए जोन्स, एस वेन सेल्क्विक जो कि एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, देखो 12 रन 1 विकेट सॉरी बाद में बताऊंगा, पहले प्लेइंग 11 की बात करें, एस जहांगीर, कोरी एंडरसन, एस नटरवालकर, एन किंजे, ए खान और एस सिंह आपको खेलता हुआ नजर आने वाला है, भाई काफी शानदार टीम है इनकी। बाकी बात करें तो एन पटेल, जय सिंह में से कोई एक प्लेयर खेल सकता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा इन टीमों में चेंज होने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, यही प्लेइंग 11 इनकी रहने वाली है। टेलर की बात करते हैं 14 0 4 22+0 54 1 विकेट 39 1 विकेट, भाई देखो एक चीज देखना आप टेलर की, विकेट निकालने में अच्छा गेंदबाज है, ठीक है रन भी अच्छे बनाता है, ओपन करने आता है। बात है उधर बांग्लादेश की तरफ लेफ्टी बैटर खूब है, हालांकि बांग्लादेश के प्लेयर स्पिन को अच्छे से खेलते हैं। बाकी इस प्लेयर को आप जीएल के लिए ट्राई कर सकते हो, बहुत ही शानदार प्लेयर है, मिनी जीएल में भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा प्लेयर है। मोनक पटेल की बात करते हैं 5 1 4 50 68 और 2, ठीक है भारत का प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है, 2 अच्छी पारी के लिए टीम ने कैप्टनसी भी सौंपी है, तो जीएल के लिए आप भी भाई अपनी एक टीम जरूर इसको सौंपना, काफी अच्छा प्लेयर है। इसकी लेटन दास की जगह एक आध टीम में आप इसको ले लेना, हो सकता है अगर ये 30 रन भी बना गया, 2 कैच भी इसके पास चले गए तो भाई काफी टीमों से आप बहुत ही बेटर टीम बना पाओगे, क्योंकि सबके पास आपको लिटन दास ज्यादा नजर आएगा। एडम गोस 95 3 4 10 50 57 और 4, भाई UAE T20 लीग में अपन ने इसको देखा था और भी बहुत सी T10 लीग्स में ये खेलता है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए, ठीक है इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। बाकी ए जोन्स की बात करते हैं अपन 8 75 3 34 15 2, भाई इनके बॉलिंग के सामने हो सकता है ये फंस जाए, ठीक है बाकी प्लेयर ठीक है, इसको देख लेते हैं। एस वेन सेल्क्विक 12 1 विकेट 2 विकेट 13 2 विकेट 15+0 8 रन 2 विकेट, भाई बॉल फर्स्ट में मैं बता रहा हूँ 1 से 2 विकेट ये निकालता हूँ आपको जरूर नजर आएगा, काफी शानदार गेंदबाज है। ठीक है, एस जहांगीर को देखो आप 29 19 25 36 और 10, भाई ये पाकिस्तान का प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है विकेट कीपिंग नहीं करता है, राइट ही बेटर है, यहाँ आप सही कर लेना, एस जहांगीर ट्राई किया जा सकता है, लोअर ऑर्डर में खेलने आएगा, टॉप ऑर्डर से प्लेयर छोड़ रहे हो तो ये अच्छे रन बना सकता है, क्योंकि CPL भी खेला था इस सीजन, ये ठीक ठाक प्लेयर है, ट्राई किया जा सकता है। कोरी एंडरसन भाई 41+0 2+0 3+0 18 1 28 55, भाई स्टार्टिंग के BBL के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इसका, ठीक है होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से खेल रहा था इस सीजन, वहां पे भी अपन ने काफी अच्छे मैच कवर किए थे, परफॉर्मेंस आया था इसका, हालांकि सभी मैचों में नहीं आया था लेकिन यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है आपको, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। ठीक है, बाकी
80% लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये फ्लॉप भी हो सकता है। रीजन ये है कि इतने बड़े रन इसके आए नहीं है। सामने बांग्लादेश कोई छोटी टीम नहीं है भाई, बांग्लादेश इन पिचों पे काफी कारगर सिद्ध होगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो बॉलर है वो काफी इंपोर्टेंट बॉलर है, वो इसको आउट कर सकते हैं। ये मीडियम गेंदबाजी करता है तो इसको ज्यादा विकेट शायद लेफ्ट आर्मर के वो देंगे नहीं, क्योंकि इनके पास खुद के पास लेफ्ट आर्मर खूब है, तो लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट ठीक ठाक खेल लेते हैं बांग्लादेश के बैट्समैन। एस नटवालकर को देखो आप, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 1 विकेट, बॉल फर्स्ट में अच्छा गेंदबाज रहने वाला है, सेकंड में भी आप ट्राई कर सकते हो। एन किंजे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, 2 विकेट 0 3 विकेट 1 विकेट 0 0। बाकी ए खान की बात करते हैं, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 2 विकेट, ये भी UA T20 लीग खेल के आ रहा है, तो लीग्स क्रिकेट में काफी अच्छा करते हैं ये प्लेयर, ठीक है। इसका सिलेक्शन आपको एकदम से कम नजर आएगा, इंपोर्टेंट प्लेयर बॉल फर्स्ट में आपके लिए बन सकता है, ठीक है। बाकी आगे बताऊंगा किस प्रकार से आपको टीम में रखना है, कौन से प्लेयर पे चांस लेना है, ठीक है। एस सिंह को देखो आप, 2 विकेट 22 1 विकेट 0 2 विकेट 34 नॉट आउट 4 विकेट 14+0। भाई भारत की तरफ से अंडर 19 खेल चुका है ये प्लेयर, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये पहले खेल चुका है, ठीक है, तो अनुभव है इनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है जो भारत में जो क्रिकेट होती है वो हाई लेवल की होती है, तो वहाँ हर प्लेयर अपनी जगह नहीं बना सकता, तो ये USA से अब खेलने लग गया है, ठीक है। ट्राई किया जा सकता है, GL के लिए अच्छा प्लेयर आपके लिए बन सकता है, सिलेक्शन काफी कम रहने वाला है। बाकी एन पटेल खेलता है देखेंगे, जय सिंह को भी अपन ट्राई करेंगे अगर खेलता है तो। अब बात करते हैं हाई परसेंट प्लेयर, देखो लोग किस प्रकार से टीम बना रहे हैं। लोग ज्यादातर लोग 8 प्लेयर ले रहे हैं बांग्लादेश के, लिटन दास सेंटो को भी ले लिया, टी हिरदोए को, हसन को, साकिब अल हसन, मेहंदी हसन, तास्किन अहमद और मुस्ताफिजुर रहमान। अब इनके जो 2 प्लेयर छूट रहे हैं वो है, 3 प्लेयर सॉरी, मोहम्मद उल्ला, राशिद हुसैन और शरफुल इस्लाम। आप इन तीनों प्लेयर को अच्छे से जानते हो, शरफुल इस्लाम और मोहम्मद उल्ला को तो और अच्छे से जानते हो। राशिद हुसैन भी भाई पिछले कुछ मैचों से, इनकी श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज हुई थी वो अपन ने कवर की थी, अभी जिम्बाब्वे के से खेल के आ रहे हैं वो भी अपन ने कवर की थी। तो भाई राशिद हुसैन कम से कम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2 मैचों में अच्छा किया था, 3 मैचों में से, ठीक है, उधर श्रीलंका के अगेंस्ट भी लास्ट गेम में शानदार परफॉर्मेंस रहा था। तो ट्राई कर सकते हो आप राशिद हुसैन को, बैट फर्स्ट में मोहम्मद उल्ला, कई बार इसकी बैटिंग जल्दी आती है, रन बनाता है, ठीक है। शरफुल इस्लाम दोनों कंडीशन में अप्लीकेबल गेंदबाज है। तो भाई तीनों प्लेयर जिनका सिलेक्शन कम है इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनके। अब छोड़ोगे किसे भाई, इनको तो ले लिया लेकिन छोड़ोगे किसे भाई। अगर आपकी टीम बांग्लादेश पहले बॉलिंग करने आती है तो आपको ले लेना है शरफुल इस्लाम को, फिर आपके सेंटो और लिटन दास इन दोनों में से प्लेयर पे चांस लेना, ठीक है। यहां से आप एक प्लेयर शरफुल इस्लाम अपनी टीम में रख लेना। उसके बाद आप कोरी एंडरसन, एडम गोस्ट, इनकी जगह आप स्टेफन टेलर को ट्राई कर सकते हो या फिर एम पटेल को ट्राई कर सकते हो, अच्छे ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। बाकी अगर ये टीम पहले बॉलिंग करती है USA की, तो ए खान, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। उस कंडीशन में आप टॉप 4 में से 2 प्लेयर छोड़ देना, मोहम्मद उल्ला को ले लेना, ए खान या फिर नटवालकर में से एक प्लेयर को ले लेना, यानी 2 प्लेयर आपको लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इनके बैटर्स को छोड़कर एक बॉलर और आप इनका ट्राई कर सकते हो, या फिर स्टेफन टेलर को आप अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। यहाँ देखो किस प्रकार से, बाकी जिनमें जिन प्लेयर के ज्यादा चांस मुझे लग रहे हैं वो मैंने आपको अलग से बताने की कोशिश की है, मोहम्मद उल्ला, राशिद हुसैन, शरफुल इस्लाम और USA की तरफ से एस नटवालकर, मोनक पटेल और ए खान। तो ये प्लेयर है जो आपके लिए काफी अच्छे गेम बदल कर दे सकते हैं आपको, ठीक है। कंडीशन मैंने बताई है कौन से कंडीशन में कौन से प्लेयर को आपको लेना है। मोहम्मद उल्ला बैट फर्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, शरफुल इस्लाम दोनों कंडीशन में, और राशिद हुसैन भी, ठीक है। इनकी तरफ से ये पहले बॉलिंग करेंगे तो इन 2 बॉलर को साथ लेना, बाकी एक बॉलर इनमें से रखना। यहाँ देखो आप अभी के लिए जो टीम है, मोनक पटेल को लिया, लिटन दास को लिया, भाई टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी चेंज होगा मैसेज उसके बाद जो फाइनल टीम आएगी वो और भी बेटर आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। वीडियो को आपको लाइक भी जरूर करना है। यहाँ देखो मोनक पटेल और लिटन दास को लिया, इसके अलावा टी हिदो, तंजीम हसन, मोहम्मद उल्ला, सेंटो को लिया है, यहाँ मैंने साकिब अल हसन, एस वैन, मेहंदी हसन, टेलर को लिया है, यहाँ लिया मैंने तास्किन अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, शरफुल इस्लाम और एट नटवालकर। अगर ये पहले बॉलिंग करेंगे तो उस कंडीशन की ये टीम है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेंटो को ट्राई कर लेना भाई, या फिर आपको लिटन दास लग रहा है तो लिटन दास को ट्राई कर लेना, इतना ही चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी कोरी एंडरसन को आप ट्राई कर सकते हो टेलर की जगह, साकिब अल हसन, मेहंदी हसन, टेलर को लिया है, तास्किन अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, शरफुल इस्लाम, तीनों बॉलर को मैं दोनों टीमों में रख रहा हूँ, इनके 5 बॉलर को मैं रख रहा हूँ। आप चाहो तो एक बॉलर पे चांस लेना, इसे एक से ज्यादा फ्लोप इनमें से नहीं जाएगा, ठीक है। ज्यादा चांस रहेंगे फिर आपके फ्लोप जा सकते हैं या तो शरफुल इस्लाम या फिर टास्किन अहमद, हालांकि 1 विकेट में जा सकते हैं वैसे फ्लोप नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी ये पहले बॉलिंग करेंगे तो ए खान, एस नटवालकर को दोनों को ले रहा हूँ, आप चाहो तो एस वैन को ले लेना एक प्लेयर की जगह, और टेलर को मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन, ज्यादा चांस है
आपको बांग्लादेश की तरफ से ही मिलेंगे। साकिब अल हसन अच्छे ऑप्शन है, मेहंदी हसन आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, बोल फर्स्ट में सरफुल इस्लाम और मुस्ताफिजुर रहमान में से भी कैप्टन आ सकता है टास्किन अहमद, यानी कि ये प्लेयर ही है जो कैप्टनसी के पिक रहेंगे। बाकी वीसी आप चाहो तो तंजीम हसन को ट्राई कर लेना। इनके तरफ से अगर कुछ देख रहे हो तो इनके तरफ से भाई कैप्टन वाइस कैप्टन के अंदर बॉल फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो एसवेन सेल्विक को, ठीक है, एसवेन सेल्विक को कैप्टन ट्राई कर सकते हो, वीसी के लिए नटवालकर या फिर स्टेफन टेलर को ट्राई कर सकते हो, बाकी चांस कम है एक आध टीम इनकी बनाना। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।